डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू, आज फिर हाजिर हुआ हूँ मैं ब्रेंकियोस्टोमा को लेकर के। पिछले लेक्चर में अपन ने ब्रेंकियोस्टोमा का नर्वस सिस्टम पढ़ा था और उस नर्वस सिस्टम को न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम विकसित प्रकार का पाया जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन नहीं होता है। जब नर्वस सिस्टम अपन ने पढ़ा था उस समय भी बताया था कि यही डायग्राम अपन ने काम में लिया था, क्योंकि उसमें अपन ने नर्व कोड बनाई थी, क्योंकि नर्व सिस्टम में मेन क्या होता है, नर्व कोड ही है और उससे निकलने वाली नर्व्स होती थी। तो यहाँ पर भी अपन ने वही डायग्राम बना रखा है जो नर्व सिस्टम में बनाया था, कारण क्योंकि इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो इसमें संवेदांग होते हैं, वो मोस्टली यहाँ पर पाए जाते हैं नर्व कोड के अंदर। तो आज का अपना टॉपिक है सेंस ऑर्गन ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा के संवेदांग कौन कौन से संवेदांग पाए जाते हैं। तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो संवेदांग पाए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल प्रकार के होते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी टाइप हो जाती है, खूब प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन वो सेंस ऑर्गन है वो बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं। तो वो कौन कौन से यहाँ पर संवेदांग पाए जाते हैं, उनमें से अपन लेते हैं सबसे पहले आई स्पॉट और ओसिलाई। ये अपन ने पूरी नर्व कोड बना रखी है और इस नर्व कोड के अंदर ये सेंट्रल कैनाल बना रखी है और इस सेंट्रल कैनाल के आगे ये अपने खूब सारे यहाँ पर सेंस ऑर्गन दिखा रखे हैं, उसमें सबसे पहला है आई स्पॉट या ओसिलाई। तो इसकी पोजीशन देखिए, नर्व कोड के मिड लेटरल साइड के अंदर, नर्व कोड के मिड लेटरल साइड के अंदर खूब सारी ओसिलाई पाई जाती है, जिसको अपन आई भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आई क्या, फोटो रिसेप्टर होती है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, प्रकाश से संवेदी अंग पाया जाता है ये फोटो रिसेप्टर और लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। इसकी संरचना अपन देखें तो इसमें दो सेल पाई जाती है, एक तो पिगमेंटेड सेल होती है जो इसकी इसकी बाहर पाई जाती है पिगमेंट सेल, और दूसरी होती है फोटो सेंसिटिव सेल। ऊपर ही ऊपर तो कौन सी है, पिगमेंट सेल, उस पिगमेंट सेल को मेलनोसाइट भी बोलते हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और दूसरी जो सेल दिखा रखी है ये अपन ने, ये सेल का नाम है फोटो सेंसिटिव सेल। तो ये दो ही सेल का बना होता है, इन दोनों सेलों के बीच में, दोनों कोशिकाओं के बीच में, दोनों सेल्स के बीच में यहाँ पर रेखित प्रकार की पेशी पाई जाती है। इसकी जो बॉर्डर होती है, फोटोसेंसिटिव सेल का जो बॉर्डर होता है उसके ऊपर ये रेखित पेशी पाई जाती है। ये फोटोसेंसिटिव ऑर्गन है वो एक तरीके से लेंस का काम करता है, और इस फोटोसेंसिटिव सेल के नीचे से एक नर्व फाइबर निकलता है जो कि ब्रेन यानी सेरिब्रल वेसाइकल से जुड़ा रहता है, और ये जो आई या ओसिलाई है वो देखने का काम करती है। मोस्टली जब जंतु, जब एम्फियोक्सस है, वो सेंड के अंदर बिल बना करके अंदर प्रवेश करता है उस समय, और जब ये स्पाइरल मूवमेंट करता है, स्पाइरल स्विमिंग करता है, टेढ़ी मेढ़ी स्विमिंग करता है, उस समय लाइट को परसीव करने का काम करता है कौन, आई स्पॉट या ओसिलाई। दूसरा अपना इसका सेंस ऑर्गन है सिफेलिक पिगमेंट सेल, और इसी का नाम, दूसरा नाम क्या, सेरिब्रल आई। तो ये देखिए, ये सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसील है, ठीक है। इस न्यूरोसील के जस्ट आगे ये एक कपनुमा संरचना दिखा रखी है अपने, कपनुमा संरचना दिखा रखी है, यहां पर जो स्पॉट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिफेलिक पिगमेंट सेल, सिफेलिक पिगमेंट सेल, यहां पर ये सिफेलिक पिगमेंट सेल पाई जाती है। तो ये सिफेलिक पिगमेंट सेल है वो क्या काम करती है, ये नो फोटोसेंसिटिव, ये कोई प्रकाश संवेदी अंग नहीं है, फोटोसेंसिटिव ऑर्गन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लेंस नहीं पाया जाता, इसके अंदर लेंस नहीं होता। तो फिर ये काम क्या करता है, एक्ट एज द थर्मोरिसेप्टर, ये थर्मोरिसेप्टर का काम करती है कौन, पिगमेंटेड सिफेलिक पिगमेंट सेल, फोटो थर्मोरिसेप्टर का काम करती है। ये क्या करती है कि आने वाले प्रकाश को रोकती है और इस ओसिलाई को बचाने का काम करती है, थर्मोरिसेप्टर है, आने वाले प्रकाश को रोकती है और इस ओसिलाई को वो बचाने का काम करती है तेज प्रकाश से। तीसरा है इनफंडिबुलर ऑर्गन, इनफंडिबुलर ऑर्गन ये वर्टिब्रेट्स के ब्रेन में पाए जाने वाला जो इनफंडिबुलम है उसके समजात या होमोलोगस ऑर्गन होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इनफंडिबुलर ऑर्गन। अब यहां पर देखिए इनफंडिबुलर ऑर्गन कहां दिखा रखा है, ये इनफंडिबुलर ऑर्गन है, और ये सेरिब्रल वेसाइकल है उसके जस्ट नीचे,
उसकी फ्लोर पे उसके नीचे वेंट्रल साइड के ऊपर ये पाई जाती है, और ये एक सिलिएटेड ऑर्गन होता है, सिलिएटेड एपिथीलियम का बना होता है। तो ये क्या करता है कि जो सेंट्रल केनाल है इसके अंदर क्या भरा रहता है, मैंने पहले बताया था कि इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड भरा रहता है, उस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड का प्रेशर नापने का काम करता है ये, उसके अंदर कितना प्रेशर है उस प्रेशर को नापने का काम कौन करता है, इनफंडिबुलर ऑर्गन। इसके बाद में आता है कोलिकस पिट। अब कोलिकस पिट देखिए आप, ये यहां पर अपने नर्व कोड बना रखा है, और इस नर्व कोड के ऊपर देखिए ये कोलिकस पिट है। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्टोड्रमल हो संरचना का बना हुआ है, एक्टोड्रमल एपिथेलियम का बना होता है, और इसमें एक गड्ढा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलिकस पिट। एक्चुअल में जब लार्वा होता है उस लार्वा के अंदर जो न्यूरोपोर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो उसके अंदर जो न्यूरोपोर होता है, वो न्यूरोपोर कन्वर्ट हो जाता है नर्व ट्यूब में, और उस नर्व ट्यूब का जो उस जो न्यूरोपोर का जो अवशेष बचता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कोलिकर पिट। यानी लार्वा के अंदर जो न्यूरोपोर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, वो ही क्या बनाता है नर्व कोड, और उसका जो अवशेष बच जाता है न्यूरोपोर का वही क्या कहलाता है, कोलिकर पिट। और ये कोलिकर पिट है वो ऑल्फैक्टरी होता है, सूंघने का काम करता है, एक तरीके से कीमोरिसेप्टर है, बीक का काम करता है। उसके बाद में आता है हेडजेक्स ग्रूव। हेडजेक्स ग्रूव कहाँ होती है, जो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ओरल हुड, ओरल हुड में ऊपर की साइड में एक पिट होती है, खांच होती है, जिसका हेडजेक पिट नाम है, और उस हेडजेक पिट के अंदर एक छोटी सी ग्रूव होती है, उस ग्रूव का नाम क्या है, हेडजेक ग्रूव। तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है उसके अंदर, और वो संवेदी अंग का काम करती है, सेंसोरी ऑर्गन का काम करती है। इसके अलावा इसकी बॉडी में क्या पाया जाता है, सेंसोरी सेल और पेपिली, सेंसोरी सेल और पेपिली। ये सेंसोरी सेल और पेपिली है उसकी ऑल ओवर द बॉडी एपिडर्मिस में पाई जाती है, पूरी बॉडी की एपिडर्मिस के अंदर इसके सेंसोरी पेपिली पाई जाती है, और वो सेंसोरी पेपिली क्या काम, ज्यादातर मोस्टली काम मिलती है जो ओरल हुड की सिराई होती है, और ओरल हुड के बाद में क्या आता है, विलम, विलम के अंदर क्या होता है, वेलार टेंटेकल्स। तो ओरल हुड के टेंटेकल्स क्या हुआ, ओरल सिराई, और विलम के अंदर जो टेंटेकल है उनको विलार टेंटेकल्स बोलते हैं। तो विलार टेंटेकल और ओरल सिराई जो होती है उस पर मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं, सेंसोरी सेल और पेपिली। तो ये क्या काम करते हैं, कीमोरिसेप्टर का काम करते हैं, और एक तरीके से टेक्टाइल ऑर्गन का भी काम करते हैं, कौन, सेंसोरी पेपिली। उसके बाद में आती है फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग्स कहाँ मिलती है, इसकी जो मसल्स होती है उस मसल्स के अंदर जो नर्व जाती है वो नर्व लास्ट के अंदर फ्री होती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स, जो कि इंटरनल स्टिमुलाई को ग्रहण करने का काम करती है, और उसकी वजह से उस मसल्स के अंदर है वो कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से यहां पर अपन ये 7 प्रकार के क्या बताएं, सेंस ऑर्गन संवेदांग बताएं, किसके अंदर, ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर। तो ये जो संवेदांग है वो कौन कौन सा है, आइस पोर्ट या ओसिलाई, जो नर्व कोड के मिड वेंट्रल साइड में ये अपन ओसिलाई बता रखे हैं। संरचना में क्या बताया, एक पिगमेंट सेल है और एक सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव सेल है, दो ही सेल होती है इसके अंदर। जो ये फोटो सेंसिटिव सेल है वो एक तरीके से लेंस का काम करती है, इसके नीचे नर्व फाइबर निकलता है जो कि सेरिब्रल वेसाइकल या इसका ब्रेन माना जाता है, अल्प विकसित ब्रेन माना जाता है, उसमें आकर के सूचनाओं का प्रसारण करती है। तो ये एक तरीके से क्या, फोटो रिसेप्टर है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है। दूसरा अपन ने क्या बताया, सिफेलिक पिगमेंट सेल, जो नर्व कोड होती है उसमें जो सेरिब्रल वेसाइकल होती है उसमें सबसे आगे आगे ये क्या पाया जाता है, ये पूरा का पूरा जो अपने बना है, ये पूरा का पूरा बना है वो क्या है, पिगमेंट स्पॉट, ठीक है। और ये पिगमेंट स्पॉट ही क्या काम करता है, इसी का नाम क्या है, सेरिब्रल आईबी है, हालांकि ये देखने का काम नहीं करता है, पिगमेंट स्पॉट है उसका दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रल आई, लेकिन ये देखने का काम करता है। नो फोटो सेंसिटिव, नो लेंस, यहां पर कोई लेंस नहीं है, लेकिन ये काम क्या करता है, थर्मोरिसेप्टर का काम करता है, आने वाले प्रकाश को रोकता है ये, आगे से आने वाले प्रकाश को और ओसिलाई को ये बचाने का काम करता है। इनफंडिबुलर ऑर्गन, सेरिब्रल वेसाइकल के नीचे की साइड में जो ये है, क्या है, इनफंडिबुलर ऑर्गन, और ये
वर्टिब्रेट में पाए जाने वाले, ब्रेन में पाए जाने वाले जो इनफंडिबुलम संरचना है उसका होमोलोगस होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इनफंडिबुलर ऑर्गन। और ये क्या करता है, इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है भरा हुआ है किसमें, सेंट्रल केनाल के अंदर, उसका प्रेशर है वो डिटेक्ट करने का काम करता है। कोलिकर्स्पिट जो अपन ने बताया कहाँ पे, नर्व कोड के ऊपर लार्वा की एक संरचना होती है न्यूरोपोर, वो डेवलप हो जाती है नर्व कोड में और जो अवशेष के रूप में बचता है उसको क्या कहते हैं, कोलिकर्पिट। और ये ऑल्फैक्टरी और कीमोरिसेप्टर होती है। इसके बताया हेडसेक पिट, ये कहाँ पर होती है, ओरल हुड के ऊपर की साइड में एक पिट होता है, उसके अंदर एक ग्रू होती है जिसका नाम क्या है, हेडसेक पिट, जो कि सेंसरी होती है। इसके अलावा सेंसरी सेल और पेपिली बताई अपन ने, जो कि पूरी इसकी एपिडर्मिस के अंदर फैली रहती है और वो मेनली ओरल सीराई और विलार टेंटिकल पे होती है, जो कि कीमोरिसेप्टर का काम करती है और टेक्टाइल ऑर्गन का काम करती है। और लास्ट है फ्री नर्व एंडिंग, जो मसल्स के अंदर नर्व कोशिकाएं हैं उनका जो एंड है, जो फ्री एंड होता है उसको फ्री नर्व एंडिंग बोलते हैं, जो कि इंटरनल स्टिमुलाई को ग्रहण करने का काम करती है और जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है उसमें हेल्प करती है। इस प्रकार से यहाँ पर 7 प्रकार के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। थैंक यू।